व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइज, आज के वीडियो के अंदर हम लोग ऑल प्लेयर्स का यूआईडी सर्च करने वाले हैं 2024 में। एंड उस प्लेयर का देखने वाले हैं कि वो प्लेयर अभी भी गेम को खेलता है या फिर वो प्लेयर हमारे गेम को जो है क्यूट कर चुके हैं। एंड उस प्लेयर का अभी के टाइम पर करप्शन देखने वाले हैं कि उस प्लेयर के बाद अभी क्या कुछ बने वाला है। एंड उस प्लेयर का लेवल भी देखने वाले हैं कि उस प्लेयर का जो अभी के टाइम पर कितना लेवल है। एंड इसी के साथ आज के वीडियो के अंदर 2017 का टोटल गेमिंग एंड देसी गेमर का 2024 में टोटल गेमिंग एंड देसी गेमर का गेम प्ले देखने वाले हैं। एंड आप लोग तो टोटल गेमिंग एंड देसी गेमर को जानते होंगे, आज के टाइम पर उन लोग का गेम प्ले कितना ज़्यादा अच्छा है। और टोटल गेमिंग तो आप लोग जानते होंगे, आज के टाइम पर वो पूरा एशिया के नंबर वन यूट्यूबर में से एक आते हैं। और उस टाइम पर जो उन लोग का गेम प्ले कैसा था, वो क्या वो उस टाइम पर वो लोग नूब थे या फिर उस टाइम पर भी अज्जू भाई एंड देसी गेमर जो है वो थे। आज के वीडियो के अंदर हम लोग यही पता करने वाले हैं, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो यूट्यूबर्स की ओर से वो लाइव स्ट्रीम को देखने वाले हैं। एंड उसमें से जो है बहुत सारे यूट्यूबर्स किसी के टीम में या किसी के एनिमी हम लोग को देखने को मिलते हैं। एंड उसी के साथ साथ हमारे बहुत सारे ओल्ड लॉस्ट लेजेंड्स को भी आईडी देखने को मिलते हैं। और आप लोग को तो उन सारे लॉस्ट लेजेंड्स का आईडी को जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए आप लोग को बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है हमारे वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उस टाइम का लाइव स्ट्रीम है जब हमारे गेम में सीजन वन आया था, तभी ज्ञान भाई मिल के साइड में उतरते हैं। तभी ज्ञान भाई को एक बंदा जो हेडशॉट मारता है, तभी ज्ञान भाई को हेडशॉट मारने के साथ साथ फिनिश कर देता है। तभी मुझे जो ज्ञान भाई का एक टीमेज का प्लेयर देखने को मिलता है, जो कि चेयर वाला प्लेयर। उस टाइम पर मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रो प्लेयर देखने को लग रहा था। तभी मैं उस प्लेयर का आईडी को अभी के टाइम पर सर्च करके देखती कि उस प्लेयर के पास अभी क्या कुछ होने वाला है। पहले से मेरे पास उस प्लेयर का आईडी कॉपी करा हुआ है, मैं कॉपी करके सर्च करता हूँ। आप लोग देख ही सकते हो, उस प्लेयर का आईडी का नाम है अभी इनसेन 11। और उस प्लेयर को आईडी को आप लोग देख ही सकते हो, 21 घंटे पहले ऑनलाइन था। और उस प्लेयर का अभी के टाइम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट में भेजने जा रहा था, उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट फुल है। और साथ ही साथ आप लोग देख ही सकते हो, उस प्लेयर के साथ अभी के टाइम पर जो है गोल्डन से पूरा बंडल है। एंड उसके साथ साथ आप लोग देख सकते हो, बैक डांसर बंडल भी उसके साथ है और जस्ट पैन भी है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा अच्छा इसके पास कलेक्शन है। और आप लोग देख सकते हो, वो प्लेयर पहले के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा सीरियस खेलता था। उस टाइम पर वो प्लेयर जो है मास्टर 3 बार लगाया सीएस रैंक पे। एंड आप लोग अभी के टाइम पर उस प्लेयर का रैंक देख सकते हो, अभी के टाइम पर ये वाला प्लेयर जो है सीएस में प्लेटिनम पे है। और आप लोग देख ही सकते हो, ये वाला प्लेयर जो पहले के टाइम पर कितना ज़्यादा इलेट पास करता था, और अब सारे के सारे ये वाला प्लेयर जो इलेट पास निकालता था। लेकिन अभी के टाइम पर ये वाला बंदा जो बिल्कुल ये अभी टॉपअप नहीं करता है, एक भी रुपया गेम में नहीं खर्च करता है। आप लोग देख ही सकते हो, जब से फ्री फायर बैन हुआ है तब से ये वाला प्लेयर जो इलेट पास करना भी छोड़ दिया, ना ही भुया पास करता है। और आप लोग को देख ही सकते हो, इस प्लेयर ये वाला प्लेयर जो गेम को भी अभी खेलना बिल्कुल ही छोड़ दिया। आप लोग देख सकते हो, बी आर रैंक पर भी इसका जो रैंक प्लेटिनम पे है, सी एस रैंक पर प्लेटिनम में। इसलिए वाला प्लेयर अपने आई डी को सिर्फ ऐसे के लिए लॉगिन करता है। आप लोग प्लेयर का गेम प्ले भी देखते हो, अभी के टाइम पर ये भी बी आर रैंक मैच नहीं खेल रहे हैं। और पहले के टाइम पर आप लोग देख सकते हो स्क्वाड में, और आप लोग इस प्लेयर का कैरी भी देख सकते हो, 4 का कैरी है, जो कि बहुत ही अच्छा कैरी है। और अभी के टाइम पर ये वाला प्लेयर बिल्कुल ही गेम को खेलना छोड़ दिया है, क्योंकि अब से फ्री फायर बैन हुआ है। ये वाला प्लेयर शायद इसके पास कुछ जॉब लग गया होगा, इसलिए वाला प्लेयर जो अभी के टाइम पर गेम नहीं खेल रहा है। तो चलिए अब हम दूसरे एरिया में चलते हैं। दोस्तों, ये वाला क्लिप जो है ज्ञान भाई का है। ज्ञान भाई कहीं पर जा रहे होते हैं, ज्ञान भाई के पास जो MP40 एंड स्कार गन होता है। तभी ज्ञान भाई एक बंदे को बहुत ही ज़्यादा डैमेज देने लगता है, और तभी ज्ञान भाई उस वाले बंदे को डाउन भी करता है। तभी एक बंदा उधर से आने लगता है और ज्ञान भाई को बहुत ही ज़्यादा डैमेज देने लगता है। ज्ञान भाई भी उसको MP40 से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वाला बंदा ज्ञान भाई को मार देते हैं। वो वाला बंदा उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा प्रो था, और उस बंदे का नाम था फिल्स। तभी दोस्तों, उस चलिए हम उस प्लेयर का आप लोग को आईडी सर्च करके दिखाते हैं। तभी आप लोग देख सकते हो, अभी भी उस प्लेयर का नाम जो है बिल्स ही है। उस प्लेयर का अभी के टाइम पर 48 लेवल है, और वो वाला प्लेयर का जो 3 दिन से आईडी लॉगिन नहीं हुआ है, इसका मतलब वो वाला प्लेयर जो हमारे गेम को क्यूट कर चुके हैं। और साथ ही साथ हम लोग देख ही सकते हो, ये वाला प्लेयर जो उस टाइम पर भी बिल्कुल टॉपअप नहीं करता था, ना इसके पास एक भी इलेट पास उस टाइम पर भी ये बंदा जो नहीं किया था। और साथ ही साथ आप लोग देख ही सकते हो, इस प्लेयर के पास जो है कोई खास रेयर बंडल तो अभी के टाइम पर हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। देख ही सकते हो, इस प्लेयर का उस टाइम पर भी बहुत ही कम लाइक था। उस टाइम पर आप लोग देख ही सकते हो, प्लेयर जो कितना था बीआर रैंक खेलता था, और बीआर रैंक पे जो है 1200 से भी ज़्यादा मैच खेला था। दोस्तों, चलिए हम लोग तीसरी आरी की ओर चलते हैं। हमारे ज्ञान भाई जो बीआर रैंक खेल रहा होता था, तभी ज्ञान भाई को इधर उधर से बंदा मार लेता है, और ज्ञान भाई को समझ में नहीं आता किधर से बंदा मार लेता है। तभी ज्ञान भाई को एक बंदा डाउन कर देता है, डाउन करने के साथ ही साथ ज्ञान भाई को फिनिश भी कर देता है। तभी मुझे जो ज्ञान भाई का ये वाला टीम मैच का ये देखने को मिला, जो कि उस टाइम पर ये वाला प्लेयर जो बहुत ही अच्छा गेम प्ले कर रहा था, और इसका नाम भी उस टाइम पर बहुत ही अच्छा था, टीटा। और चलिए दोस्तों, इस प्लेयर का अभी के टाइम पर आप लोग देख ही सकते हो, अभी के टाइम पर भी इस प्लेयर का जो आईडी का नाम टीटा ही है। ये वाला प्लेयर जो उस टाइम से अभी तक ये वाला प्लेयर नाम चेंज नहीं किया। और आप लोग देख ही सकते हो, इस प्लेयर के पास अभी जो है ये वाला टोपी है CN7 का। और आप लोग इस प्लेयर का रैंक भी देख सकते हो, बी आर एक बहुत ही ज़्यादा खेलता है, जो कि मास्टर में लगने ही वाला है। और इस प्लेयर का आप लोग लेवल भी देख सकते हो, अभी के टाइम पर भी 73 लेवल है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेवल है अभी के टाइम पे। तो ये वाला बंदा जो CS रैंक पे भी इसका Diamond 4 पे रैंक है, और ये वाला बंदा अभी के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा गेम अभी के टाइम पर भी खेलता है। और ये वाला प्लेयर शायद के अभी के टाइम पर बहुत ही कम टोपो मारता हुआ, इसलिए आप लोग देख ही सकते हो, इसके बाद जो CN7 का सिर्फ कैप पहना हुआ, और अभी के टाइम पर ये बंदा शायद कम टोपो मारता है। और अभी के टाइम पर वाला प्लेयर लेकिन गेम बहुत ही ज़्यादा खेलते हैं। और आप लोग देख सकते हो, CS रैंक पे भी ये वाला प्लेयर 3, 6, 7, 8 बार जो है मास्टर पहुंच चुका है। और बी आर रैंक पे भी ये वाला प्लेयर जो है डेली हर बार सीजन पे मास्टर
लगा देते हैं। और अभी के टाइम पर आप लोग देख सकते हो 109 गेम खेले उसमें से 28 गेम जीते हैं। और इस प्लेयर का कैरी भी देख सकते हो 500 कैरी है जो कि बहुत ही अच्छा कैरी है। और ये वाला प्लेयर अभी के टाइम पर भी बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेल रहा है। और इस प्लेयर को भी हम लोग रिक्वेस्ट डाल देते हैं। और चलिए दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट एरिया की ओर चलते हैं। उसके बाद हमारे जो है ज्ञान भाई पीक पे उतरते हैं। पीक पे एक बंदा को बहुत ही ज़्यादा मारने लगता है और पीक पे मारते मारते उस पर प्लेयर को भी डाउन कर देता है। सारी तरह ज्ञान गेमिंग भी फिनिश हो जाते हैं। उसके बाद ज्ञान गेमिंग का हमारे एक टीम मैच का यूआरपी देखने को मिलता है जो कि उस टाइम पर ये वाला प्लेयर बंदे को हेडशॉट मार रहा होता है। चलिए दोस्तों इस प्लेयर का अभी के टाइम पर यूआरपी सर्च करके देखते हैं क्या इस प्लेयर के बाद अभी क्या कुछ देखने को मिल रहा है। तो अभी के टाइम पर ये वाला प्लेयर गेम को क्यूट कर चुका है। आप लोग देख सकते हो 30 दिन से इसके आईडी जो ऑफलाइन है। और सारी तरह इसके पर आप लोग देख ही सकते हो CN2 का बैनर एंड अवतार है। और अभी के टाइम पर ये वाला प्लेयर तो प्लेयर बैनर पहना हुआ नहीं है। और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हो ये वाला प्लेयर जो उस टाइम पर भी बहुत ही ज़्यादा गेम को खेलता था। और उस टाइम पर उस वाला प्लेयर का जो है 40 लेवल हो चुका था। और आप लोग देख ही सकते हो इस वाले प्लेयर ने जो CN2 का एलर्ट पास भी किया था जो कि 110 मिशन भी कंप्लीट किया। शायद कि इसके बाद हिपो वाला बंडल है। और ये वाला बंडल हिपो वाला बंडल ये वाला प्लेयर जो अभी के टाइम पर नहीं पहना हुआ है। और आप लोग देख सकते हो उस टाइम पर ये वाला प्लेयर बी आर रैंक कितना ज़्यादा खेल रहा था। 544 गेम खेला था उसमें 77 मैच जो भूया किया था बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पर गेम खेलता था। और ये वाला प्लेयर ने भी जो गेम को छोड़ चुका है। और ये वाला मेरे पास आइडिया होता तो मैं अभी तो बहुत ही ज़्यादा खुशी में होता। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट एडी की ओर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर ज्ञान भाई जो फैक्ट्री के साइड यहाँ पर उतरे होते हैं। ज्ञान भाई का 4 HP होता है और एक बंदा ज्ञान भाई गेमिंग को मार जाते भी मुझे जो ज्ञान गेमिंग का दोस्त का एक वीआरई देखने को मिलता है। तभी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ज्ञान गेमिंग का वीआरई मैं सर्च करता हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी के टाइम पर उस वाले प्लेयर का नाम है लूसीफर। और अभी के टाइम पर इस वाले प्लेयर का जो है लेवल 72 है और CS रैंक पे 4 स्टार पे है। और इस वाले प्लेयर का आप लोग बंडल भी अभी भी देख सकते अभी के टाइम पर भी कितना ज़्यादा रेयर से रेयर बंडल पहना है। और अभी के टाइम पर ये वाला प्लेयर भी बहुत ही ज़्यादा टॉप मारता है। आप लोग देख ही सकते हो इसके पास अभी AK मैक्स और MP40 भी शायद मैक्स हुआ। और उसके बाद बहुत सारे रेयर से रेयर गन है। ये वाला प्लेयर जो है CS रैंक पे एक भी बार मास्टर नहीं पहुँचा है। और BRM भी आप लोग देख ही सकते हो Diamond 2 पे अभी के टाइम पर। और ये वाला प्लेयर टीम डेविल नाम का गिल में है। और आप लोग देख ही सकते अभी के टाइम पर वाला प्लेयर BRM बहुत ही कम खेलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला प्लेयर जो CS रैंक मैच खेलता था। पहले के टाइम पर आप लोग देख सकते हो कितने ज़्यादा गेम खेला है। 5535 गेम BRM खेला है और इसका लेवल भी बहुत ही अच्छा है। और हम लोग इस प्लेयर को भी रिक्वेस्ट भेज देते हैं। उसके बाद तो चलिए नेक्स्ट एडिंग की ओर चलते हैं। ज्ञान गेमिंग का एक टीम मैच बचा हुआ होता है। तभी ज्ञान गेमिंग का टीम मैच को भी एक बंदे जो मार देता है। तभी मुझे उस प्लेयर का गेम प्ले देखने को मिलता है क्योंकि उस टाइम पर इस प्लेयर का नाम है चिकनीज। और अभी के टाइम पर भी आप लोग इस प्लेयर का नाम देख सकते हो। अभी के टाइम पर वो वाला नाम है वाला प्लेयर जो 30 दिन से ऑफलाइन यानी इस प्लेयर को भी जो है गेम को छोड़ दिया। और इस प्लेयर का अभी टाइम पर 41 लेवल है। और अभी के टाइम पर ये वाला प्लेयर भी जो कोई रेयर बंडल तो पहना हुआ नहीं है। और ये वाला प्लेयर उस टाइम पर भी जो टॉपअप नहीं मारता था इसके ऊपर एक भी लड़ पास नहीं है। और इसका ये नाम अभी के टाइम पर भी वही नाम है यानी ये वाला प्लेयर बहुत ही टाइम पहले ही गेम को जो क्यूट कर चुका है। और आप लोग देख सकते हो उस टाइम पर वाला प्लेयर 16 मैच बहुत ही ज़्यादा खेलता है। 392 16 मैच खेला और उसमें 70 मैच जीता है। ये वाला प्लेयर का भी उस टाइम पर बहुत ही अच्छा गेम प्ले हम लोग को देखने को मिला था। और साथ ही साथ इस वाले प्लेयर का जो लाइक बहुत ही कम है। आप लोग देख सकते हो 13 ओनली लाइक क्या रखता है हमारे फ्री फायर इंडिया जो कब तक हमारे गेम में आप लोग को देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है हमारे वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों और आप लोग कमेंट में बता देना कि आप लोग को कौन सा प्लेयर का वीडियो सबसे अच्छा लगा। और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।